ओके सॉरी फॉर वो वीडियो थोड़ा स्टॉप हो गया था कोई टेक्निकल इशू के कारण। तो देखिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। ओके तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या कि इस तरह से कार्डबोर्ड के ऊपर जब आप एक क्या करते हैं स्ट्रेट कंडक्टर रखेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा, एक सर्कुलर फॉर्म में जनरेट होगा। और जो सेंटर होगा वो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर होगा, जो स्ट्रेट वायर होगा वही क्या होगा, इन मैग्नेटिक लाइन्स का, जो मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जनरेट हुई हैं इनका क्या होगा, सेंटर होगा वो स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो ये आप हमने ये डायग्राम से देखा। आप देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अगर एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके ऊपर बेसिकली क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस क्या करके डिपेंड करेंगे, किस किस के ऊपर डिपेंड करेंगे वो आप देखिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो किस किस पर डिपेंड होगा, तो वो हम देखते हैं। तो हम उस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं किससे, पी से। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट ए गिवन पॉइंट पी। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई भी पी पॉइंट मानते हैं हम, उस पी पॉइंट के ऊपर मानते हैं। जस्ट एग्जाम्पल आप ये देखिए, यहाँ पर ये वही स्ट्रेट वायर है, ये जितने भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुए हैं सर्कुलर फॉर्म में, इनमें से हम कोई भी एक सर्कुलर फील्ड ले लेते हैं। ये पर्टिकुलर सर्कुलर फील्ड हमने ले लिया इस सर्कुलर पॉइंट पर, फील्ड के पर्टिकुलर एक पी पॉइंट के ऊपर, एक पर्टिकुलर पी पॉइंट के ऊपर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की के अकॉर्डिंग ये किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए ये दो पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा, बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा, दो पॉइंट्स पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। कहने का मतलब इस पी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड को हमको याद होना चाहिए, आपको मैंने बताया था किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल बी और इस एरो से। एरो का मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनके लिए डायरेक्शन की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिनके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। तो ये जो बी होगा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके होगा, करंट के, मतलब आई के डायरेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये क्लियर हुआ। सेकेंड, इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। जस्ट एन एग्जाम्पल, इस पी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसके क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रपोर्शनल, उसके क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रपोर्शनल। तो जो सेकेंड पॉइंट आया वो आपका क्या आएगा, बी इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू जो डिस्टेंस, डिस्टेंस अपन बोलते हैं आर है। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पर रेडियस बोल देते हैं अपन इसको, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, आर। देखिए आप सारे पॉइंट्स क्या होंगे, आर डिस्टेंस से होंगे, ये भी आर पे होगा, ये भी आर पे होगा, ये सारे पॉइंट्स होंगे वो किस डिस्टेंस से होंगे, आर डिस्टेंस से होंगे। अच्छा, एक सर्कल है, आपको ये 2D में इस तरह से डायग्राम दिख रहा होगा जबकि एक्चुअल में सर्कल। तो देखिए इन दो, बेसिकली इन दो पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बेसिकली इन दो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पी पॉइंट के ऊपर। तो देखिए जब इन दोनों पॉइंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो हमने दोनों को कंबाइन करके कर दिया, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर। इसके इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो दोनों को कंबाइन करके इस तरह से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी हमने लिखी हैं चीज़ें, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर। ठीक है, अब ये देखिए, तो अब जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, जो आपने यूज़ करा है म्यू नॉट अपॉन टू पाई, म्यू नॉट अपॉन टू पाई। तो म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, म्यू नॉट क्या है आपका, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। क्या है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, अभी समझिए। देखिए सबसे पहले परमिएबिलिटी का मतलब होता है वो कितना कैपेबल है करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये एक कार्डबोर्ड है, ये एक और कार्डबोर्ड है, दोनों कार्डबोर्ड सेम साइज के हैं, बट इस कार्डबोर्ड्स में जो होल की साइज है वो ये है। ठीक है, और इस कार्डबोर्ड के अंदर जो होल की साइज है वो ये है, तो इन दोनों में से ज़्यादा परमेबल कौन सा होगा, आप मुझे बता सकते हैं। ये देखिए इसमें, ये इसमें सारे, तो देखिए इसके अंदर इतने से होल्स हैं, तो जो पर्टिकुलर जो वाटर होगा, अगर मैंने इन दोनों कार्डबोर्ड में से वाटर पास कराता हूँ, ठीक है, एक मिनट मैं इसको और पूरा बनाता हूँ अच्छे से। ये देखिए ये जो फर्स्ट केस है, इस फर्स्ट केस के अंदर जब वाटर फ्लो होगा तो वाटर पर्टिकुलर इन तीन होल्स में से फ्लो होगा, केवल इस होल में से और इस होल में से और इस होल में से, बाकी जो रेस्ट एरिया है इसमें से वाटर फ्लो नहीं होगा। ये देख पा रहे हैं आप, ये बाकी रेस्ट एरिया में से वाटर फ्लो नहीं होगा, ये जितना भी रेस्ट एरिया बचता है इसमें से वाटर फ्लो नहीं होगा, ये सारा। ठीक है,
और जबकि आप ये सेकंड केस में देखें तो इसमें होल नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और ये जो गैप है ये क्या है, बहुत कम है, ठीक है, गैप क्या है, बहुत कम है, तो ये ज़्यादा परमेबल होगा। तो परमेबिलिटी का मतलब क्या है, वो कैपेसिटी किसी भी मटेरियल की जिससे वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को फ्लो कराने में ज़्यादा कैपेबल हो, फ्लो कराने में ज़्यादा कैपेबल हो। तो इन दोनों केसेस के अंदर जो सेकंड केस है ये ज़्यादा परमेबल होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस। फर्स्ट में परमेबिलिटी कम है जबकि सेकेंड में परमेबिलिटी ज़्यादा है। तो होप ये आपको क्लियर हुआ हो परमेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब देखिए, तो कहने का मतलब क्या है कि जो म्यू कांस्टेंट हमने यूज़ करा है, म्यू नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी, क्या बोलते हैं हम इसको, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, म्यू नॉट, ठीक है। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई अपॉन आर लिखा था हमने, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर क्या है, कॉन्स्टेंट यूज करा है हम लोगों ने वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए, वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, जब इसको हम यूनिट देखते हैं तो देखिए आप, ये 2 पाई आर जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये जब इस वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे हम, तो क्या होगा, 4 पाई × 10⁻⁷ Tm/A, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर ए क्या है आपकी, एम्पियर यूनिट करंट की, ए क्या है आपकी, एम्पियर यूनिट किसकी है, करंट की, ऐसा ही यूनिट। अब आर क्या है, ऐसा ही यूनिट, सॉरी आर क्या है, मीटर की डिस्टेंस, मीटर, आर रेडियस होती है जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। मैग्नेटिक फील्ड बी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, मैग्नेटिक यूनिट बी की क्या होती है, टेस्ला, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने कैसे निकाला, ये बेसिकली आपकी म्यू नॉट की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, म्यू नॉट की। कैसे निकाले हमने, अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें, इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो देखिए, यहाँ से म्यू नॉट जब हम निकालेंगे तो म्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर ऊपर चल जाएगा, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई आपके क्या हो जाएगा, ये बी जो आपने ऊपर लिया है, अच्छा ये वेक्टर होता है, ये जो जब इस तरह से ये लगाते हैं, देखिए आप ये बी के यहाँ इस तरह से लग रहा है, ये जो ये होता है ये मॉड्यूल शो करता है, क्या होता है, मॉडुलस, इसको बोलते हैं मॉडुलस या मॉड्यूल। वेक्टर क्वांटिटी को क्या होता है, हमेशा जब केवल मैग्नीट्यूड शो करना होता है ना, तो उसको इस तरह से इस बॉक्स में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ये मॉडुलस शो करता है, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड शो करेगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी के मॉडुलस मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, आप म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है तो 2 पाई आर × b मॉड्यूल और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। ये म्यू म्यू का फॉर्मूला निकलेगा। और जब इस म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो जब इस 2 पाई आर, इस 2 पाई आर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप 4 पॉइंट, ठीक है। इस तरह से हमने एक रफली वैल्यू कैलकुलेट करी, किसकी, म्यू नॉट की, किसकी कैलकुलेट करी है, म्यू नॉट की। आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। टी यूनिट किसकी है, टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की। एम यूनिट किसकी है, रेडियस, जो मीटर में होगी। और ए किसकी यूनिट है, करंट आई की, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने की जो वैल्यू निकाली है, किसकी निकाली हमने, न्यू की, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा क्या जनरेट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको गिवन है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, आप इसको एक तरह से और देख सकते हैं, ये जो आपने आर निकाला ना, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकाला है, ठीक है। ये जो आपने बी निकाला था, हमने फर्स्ट केस के अंदर जो बी निकाला है, ये क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के, किसके लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। बट अगर मुझे इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालना हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये सर्कमफेरेंस, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पाई आर यूज़ करा है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, 2 पाई आर को, ठीक है। अगर आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट को निकाला होता तो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से आर डिस्टेंस पर है। अब मुझे इस पूरे के लिए निकालना है ना मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालना है, तो देखिए आप कैसे, यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ आर, सब जगह आर होगा। तो जब इस पूरे आर को मैं कंबाइन करूंगा एक तरीके से, तो ये क्या होगा, ये एक पूरा सर्कल बनेगा। और सर्कल का इसका मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिखेंगे तो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन आर, और एक पूरे मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। होप समझ में आया 2 पाई आर कैसा आया। म्यू नॉट मैंने आपको बताया कांस्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी यूज़ किया था, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी यूज़ किया था। म्यू नॉट की वैल्यू फाइंड कर लिए हमने, किस तरह से वैल्यू निकाली है, ठीक है। और इस 4 पाई × 10⁻⁷ Tm/A, ठीक है, क्या क्या यूनिट से ये हम बता चुके हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, तो ये तो न्यूमेरिकली वैल्यू आ गई, अब अपन बात करते हैं डायरेक्शन की। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगी, आपको डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगी। क्या रिक्वायर्ड होगी, डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देखेंगे तो वो डायरेक्शन देखने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये जो रूल्स होते हैं ना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं। ये क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब कोई लोग बोले कि सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। ये सब रूल्स एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए हुए हैं, एक्सपेरिमेंटली
प्रूफ किए हुए हैं साइंटिस्टों ने, इनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे इन लोगों ने ये रूल बनाए। तो ये सब क्या है, आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरीके से। जैसे कि आपका सनराइज होता है ईस्ट से, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सिमिलरली ये जो रूल्स हैं आपके क्या है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है सारे ये रूल्स। तो इन रूल्स को बनाने के लिए क्या है, बेसिकली साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने सारे रूल्स बनाए। तो देखिए, अब जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा क्या, राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज़ करना पड़ेगा, राइट हैंड थम रूल। ये आप देखिए यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, राइट हैंड थम रूल। राइट हैंड थम रूल क्या कहता है आपके, देखिए, थम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, कर्ल ऑफ द फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखिए अगर आपको दोनों में से एक भी चीज़ गिवन है, ठीक है, तो आप दूसरे चीज़ की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आप अपने राइट हैंड को होल्ड करिए, ठीक है, स्ट्रेट रखिए और कर्ल इस तरह से, आप जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा उस तरह से आप अपने राइट हैंड को यूज़ कीजिए, ठीक है। तो राइट हैंड का जो थंब होगा आपका, ठीक है, राइट हैंड का जो थंब होगा वो आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ पा रहे हैं आप, क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो कर्ल ऑफ फिंगर है ये आपको क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए आप इस तरह से फिंगर को होल्ड कीजिए, जैसे कि आप रेस देते हैं ना, अपनी बाइक्स में रेस देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हैंड को ऊपर की तरफ कर्ल करते हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ। आप इसको क्या करें, नीचे की तरफ कर्ल कीजिए इस तरह, तो आपको देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी। तो जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं इस वाले जो फिगर हमने ऊपर स्टडी किया इसके बारे में पढ़ें, तो जब हम राइट हैंड थंब रूल को लगाएंगे, तो देखिए थंब आपको क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ शो करेगा, और कर्ल क्या होगी, आपकी फिंगर्स इस तरह कर्ल होगी अंदर की तरफ, देख पा रहे हैं आप, यूँ इस तरह। तो आपको डायरेक्शन मिलेगी फिंगर्स के कर्ल से, फिंगर्स के कर्ल से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपका थंब शो करेगा। तो जस्ट एन एग्जांपल, अगर किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड बस केवल आपको क्या करना है, थंब को उस करंट के डायरेक्शन में रखना है। अब अपने राइट हैंड को आप कहीं भी घुमा लीजिए, चारों डायरेक्शन के अंदर कहीं भी घुमा लीजिए, तो जहाँ राइट हैंड हैंड का थंब मूव करेगा, ठीक है, तो वो थंब आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो जो कर्ल होंगे वो आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, ठीक है। अब अपने अंगूठे को आप है ना इस तरह से, आप हैंड को क्या करिए, अपने जो थंब है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रखिए, तो देखिए अगर करंट ऊपर जाती है, तो देखिए आपका कर्ल कहाँ रहा है, लेफ्ट हैंड से इस तरफ फ्लो कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रहा है, दिख रहा होगा आपको। आप अपने हैंड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए, राइट हैंड थंब को नीचे करिए, जैसे आप नीचे करेंगे तो देखिए अब क्या होगा, आपका कर्ल आपको दिख रहा होगा किस तरह से बन रहा होगा, आपका हैंड अंदर की तरफ फोल्ड रहा होगा फिंगर्स का, तो वो आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से अगर आप लेफ्ट साइड के अंदर थंब को करेंगे, तो जो आपका कर्ल होगा वो नीचे से ऊपर आ रहा होगा, कर्ल जो होगा वो नीचे से ऊपर आ रहा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसी तरह से अगर आप राइट हैंड थंब को इस तरफ रखेंगे राइट डायरेक्शन के अंदर, मतलब आपका थंब क्या कर रहा है, राइट डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो आपकी फिंगर्स देखिए कर्ल क्या होगा, नीचे से ऊपर आ जाएंगी, फिंगर कर्ल कहाँ रही होगी, नीचे से ऊपर। तो इस तरह से आप राइट हैंड थंब को रूल को यूज कर सकते हैं किसके लिए, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये किस में शो करेगा, ओनली एंड ओनली स्ट्रेट कंडक्टर, जो कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर होगा उसी में ये शो करेगा। अगर zigzag कंडक्टर है या और कोई मल्टीपल कंडक्टर है, तो वहाँ ये शो नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर ही ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर ही आपके मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो होप राइट हैंड थंब रूल समझ में आया हो, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, आगे देखिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल कैरिंग कंडक्टर। अब हमने स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं सर्कुलर कॉइल क्या, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपका कंडक्टर हमेशा स्ट्रेट ही होगा, ठीक है। जैसे कि आपके घर के अंदर जितने भी कनेक्शंस हैं वो सब तो आप पैरेलल मान के चल रहे हैं, ठीक है, पैरेलल होते हैं हमारे घर के अंदर जितने भी कनेक्शंस होते हैं, मानिए ये इस तरह से सारे कंडक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर निकालना है, तो मैं उस पर्टिकुलर कंडक्टर के पास जाके, जैसे कि मुझे इस पर्टिकुलर कंडक्टर में निकालना है, तो मैं इसके इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक नीडल को लगा के चेक कर सकता हूँ, इसमें लगा के चेक कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से चेक कर सकता हूँ। बट अब देखिए आप जो आपका फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन देख रहे होंगे आप, ठीक है, फ़ैन है, तो फ़ैन के अंदर जो मोटर होती है ना, उस मोटर के अंदर इस तरह से सर्कुलर कॉइल होती है। कभी मौका मिले तो फ़ैन को खोल के देखना, उसके अंदर जो मैं दिखाऊंगा अभी, जो अपने हमारे जो डीसी एसी आएगा, उस डीसी एसी का मैं एनिमेशन दिखाऊंगा कि इस तरह से मूव करते हैं वो। तो देखिए इस तरह से सर्कुलर कॉइल्स बनी होती है, इस तरह से एक पाइप होता है, उस पाइप के ऊपर इस तरह से सर्कुलर कॉइल होती है, इस तरह से बहुत सारी सर्कुलर कॉइल्स होती हैं, ऐसे रेगुलर फ्लो करती रहती हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हमने स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर देख लिया, अब हम बात करते हैं सर्कुलर कॉइल। कॉइल का मतलब क्या होता है, जब वायर क्या होता है इस तरह से सर्कुल के फॉर्म में जमा होता है, इस तरह से किसी चीज़ के ऊपर वाइंड अप होता है, तो उसको हम कॉइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉइल। तो अगर अब हम सर्कुलर कॉइल कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होगा उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए द फील्ड क्रिएटेड बाय द सर्कुलर कॉइल इज शोन बिलो, ठीक है, देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा सर्कुलर कॉइल के अंदर
फील्ड जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके ये देखिए आप, नॉर्थ साउथ आपको मैग्नेटिक बार दिख रही है, ठीक है। इसके अंदर देखिए आप, ये आपको डायरेक्शन दिख रही होगी मैग्नेट की, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो इस तरह से सर्कुलर बेयरिंग कंडक्टर अगर होगा तो उसके अंदर आपके सर्कुलर बेसिस पे ही वो बनेंगे। ओके इसमें डायग्राम शो नहीं किया है, जस्ट अ मिनट, अभी आप है ना, मैं अभी व्हाट्सएप पे उसका इमेज शो खोल दूंगा आपको एक, ठीक है। ये मैग्नेट की आपको नॉर्मल डायरेक्शन दी हुई, कॉइल नहीं दिखा हुआ, मैं कॉइल भी आपको दिखा दूंगा एक मिनट, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी तो इसको देखते हैं, बाकी मैं एक इमेज शेयर कर दूंगा कॉइल के भी व्हाट्सएप पे। ओके तो देखिए, आई क्या शो करेगा आपके, करंट इन द कॉइल, आर क्या शो करेगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ठीक है। सेम वही डिपेंड करेगा, क्या क्या डिपेंड करेगा, सेम वही जो चीज़ हमने पहले देखी थी, क्या मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब देखिए आप, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जैसे साइन हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं म्यू नॉट। क्या बोलेंगे, म्यू नॉट, जो क्या करेगा हमको परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, क्या शो करेगा, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। यहाँ पर एक हम एन नंबर ऑफ टर्न्स भी यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, एन नंबर ऑफ टर्न्स। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों, मैंने आपको बताया कॉइल एक नहीं होगी ना, इस तरह से केवल एक वायर थोड़ी होगा, मल्टीपल वायर है। जैसे कि आपने स्टेट कैरिंग कंडक्टर में देखा होगा तो केवल एक वायर था, उसके चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। यहाँ पर एक वायर नहीं है, नंबर ऑफ वायर्स हैं जो इस तरह सर्कुलर फॉर्म के अंदर कॉइल्स की फॉर्म में इस तरह से जनरेट है, ठीक है। तो सब कॉइल्स के अंदर जब आपको निकालना होगा तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न से। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो केवल एक वायर से जनरेट नहीं होगा, वो किससे होगा, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं पूरे वायर के, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनसे जनरेट होगा। अब कई लोग बोलेंगे कि सर अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स के बजाय इस पूरे वायर की लेंथ को कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे एग्जाम्पल ये वायर की लेंथ एल है और इसी एल लेंथ के वायर को इस तरह से सर्कुलर बना दिया, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि एक्चुअल में होता वही है, ठीक है, होता वही है। क्यों, देखिए आप, अगर आप एक सर्कल बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल होती है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक होता है, तो ये हो गया आपका कितना, 2R। क्यों, क्योंकि देखिए आपने जब इस आपने इस पूरे वायर को जब घुमाया तो एक सर्कल बना, और एक सर्कल बनने का मतलब क्या है, डायमीटर। एक सर्कल का मतलब क्या है, डायमीटर ही तो हुआ आपका, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ बोल लीजिए 2πr बोल लीजिए, ठीक है, 2πr ज़्यादा बेटर है, ठीक है, डायमीटर समझ नहीं आएगा, 2πr बोल लीजिए, तो ये कितना हो गया आपका, 2πr। सिमिलरली ये भी 2πr, ये भी 2πr और ये 2πr, ठीक है। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 आपके 5 2πr जनरेट करते हैं, ठीक है, 5 क्या कर रहे हैं, 2πr, 1 2 3 4 और ये 5, 5 2πr जनरेट हो रहे हैं। तो वो 5 2πr आप समझिएगा इस चीज़ को, वो 5 2πr क्या इस L के बराबर नहीं होंगे, इस वायर की जो कंप्लीट लेंथ होगी, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूजन करने के लिए देता है आपको ये, क्या बोलेगा आपको कि एक 10 मीटर का वायर है जिसको हमने नंबर ऑफ कॉइल्स में डिवाइड कर दिया है, तो आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताइए, ठीक है। अब वहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो दिया ही नहीं, हम एन कैसे लिखेंगे, जो एन यहाँ लिखा है फॉर्मूले में ये हम कैसे लिखेंगे। तो आपको वहाँ ध्यान रखना है, ये एन इंटू आई जो यूज़ किया है, एन इंटू आई जो यूज़ किया है, ये क्या है, उस कॉइल के नंबर्स को यूज़ करा, तो आपको पूरी लेंथ दी हुई है, तो उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड क्या, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो मैंने आपको समझा दिया नंबर ऑफ टर्न्स क्या यूज करा है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन म्यू नॉट आई अपॉन 2R। अब देखिए यहां डिफरेंस क्या है, जब हमने ऊपर देखा था तो क्या लिया था हमने, 2πr, क्या लिया था हमने, 2πr, वो डिस्टेंस थी, क्या थी, डिस्टेंस थी किसकी, सिंगल स्टेट कंडक्टर से पर्टिकुलर पॉइंट की। अगर वो पॉइंट यहाँ था तो यहाँ, या फिर यहाँ था यहाँ, यहाँ यहाँ, इस तरह से। तो इस तरह से जब हम सारे पॉइंट्स को मिला तो एक सर्कल बन रहा था, इसलिए इसके जगह हमने आर की जगह क्या यूज़ करा था, यहाँ पर सब पॉइंट्स को कंबाइन करके 2πr, क्या यूज़ किया था हमने, 2πr, ठीक है। अब देखिए, अगर आप एक सर्कुलर यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कॉइल यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉइल यूज़ करते हैं, तो देखिए कॉइल क्या होती है, इस तरह से राउंड होती है, ठीक है। तो इस तरह से राउंड होने के कारण अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा, ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा अभी, तो देखिए आप, ये इस तरह से कॉइल होती है, इस तरह से बनती है एक्चुअल में, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से, अगर जब आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे अपोजिट में और सीरियल डायरेक्शन के अंदर, तो वो क्या होगा, 2πr कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटर से डिस्टेंस नहीं है, क्यों, वहाँ पर स्टेट कंडक्टर था, स्टेट कंडक्टर के कारण क्या हुआ, आपने सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली उस पर्टिकुलर पॉइंट की, जबकि यहाँ क्या है, स्टेट कंडक्टर नहीं है, कैसा कंडक्टर है आपके, कर्ल फॉर्म में है, कैसा फॉर्म में है, नंबर ऑफ कर्ल्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कॉइल है, सर्कुलर कैसे होती है, अभी मैं दिखाऊंगा सर्कुलर कॉइल कैसे होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम 2πr यूज़ नहीं करते हैं, क्या यूज़ नहीं करते, 2πr यूज़
नहीं करते, क्या यूज करते हैं, टू आर। टू आर आप बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, डायमीटर ऑफ कॉइल, क्या बोल सकते हैं, डायमीटर ऑफ कॉइल भी बोल सकते हैं। टू आर के लिए क्या लिख सकते हैं आप, डायमीटर ऑफ कॉइल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या लिख सकते हैं हम, डायमीटर ऑफ कॉइल। ठीक है, तो होप समझ में आया क्या है ये। अब देखिए, ठीक है, डायमीटर ऑफ कॉइल हमने देख लिया, अब आगे देखिए आप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको फोर्स के बेसिस पे भी लिखना सकते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको आगे के पॉइंट्स देखिए, तब आपको फोर्स के पॉइंट समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बी प्रोड्यूस द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। अगर एक सर्कुलर वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो उसके अंदर जो अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो क्या क्या होते हैं, तो देखिए, करंट का मैंने बता दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और थर्ड किसके होगा, नंबर ऑफ टर्न्स के। इन तीनों को कंबाइंड करके, इन तीनों को कंबाइंड करके हमने वो फॉर्मूला बनाया, जो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ये आपका यहाँ का फॉर्मूला। ठीक है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन टू आर। ठीक है, टू आर क्यों यूज़ करा मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, कॉइल कैसी है, सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, तो सर्कुलर कॉइल के अंदर सर्कमफेरेंस नहीं आएगा, सर्कमफेरेंस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये स्ट्रेट वायर था और इससे हम ये डिस्टेंस ले रहे थे, तो ये आर थी, और जब इन सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये टू पाई आर होता है, जबकि एस में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये अपने आप में कॉइल ही सर्कुलर है, मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो पूरी इस कॉइल के अंदर ही फ्लो होगी, इस पूरी कॉइल के अंदर ही फ्लो होगी। तो जब इस कॉइल के अंदर फ्लो होगी, तो ये पूरी जो डिस्टेंस होगी, इस कॉइल की जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, कहने का मतलब क्या है, ये जो पूरा एरिया कवर होगा ये कितना होगा, टू आर, टू आर ही तो है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके, डायमीटर क्या आ गया आपके, डायमीटर, यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हैं, टू आर, क्या लिख सकते हैं आप, टू आर। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर में और सर्कुलर वायर में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्ट्रेट वायर में और सर्कुलर वायर में आपको ध्यान रखना है। अब ये टू आर क्यों रहते हैं, इसके और भी रीजन्स है बहुत, लेकिन आपको इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली बी के अलावा, बी का जो एक को फॉर्मूला होता है, आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, जो एम म्यू आई नॉट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स, क्या बोल सकते हैं, फोर्स, ये क्या होगा, फोर्स, क्यों, ठीक है, देखिए आप, करंट फ्लो हो रही है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, तो ये आपको क्या करेंगे, फोर्स जनरेट करेंगे, क्या जनरेट करेगी, फोर्स। तो इस म्यू आई नॉट को मैंने क्या लिख दिया, क्या लिखा है आपके, एफ, फोर्स जो जनरेट हुआ है पर यूनिट वायर के अंदर। ठीक है, आई क्या है आपका, करंट एम्पियर में, और जो एल है, मैंने आपको बताया ना, एल लेंथ, पूरी लेंथ, अगर पूरे वायर में आप निकालना चाहें, पूरे वायर में अगर आप निकालना चाहें, तो पूरे वायर में निकालना चाहें, तभी मैंने आपको बताया था पूरे वायर में किस तरह से हम पूरे वायर की लेंथ को यूज़ करेंगे, मैंने आपको समझाया था अभी, एक पूरे वायर की लेंथ अगर आप उसको कट करते हैं तो किस तरह से आप पूरा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो पूरी मैंने आपको बताया अभी, पूरा कैलकुलेट करके बताया था आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फोर्स के रेस्पेक्ट में निकल सकते हैं, तो फोर्स के रेस्पेक्ट में जब हम बी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू एफ अपॉन आई एल, एफ अपॉन आई एल। ठीक है, बी की यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, बी की मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कितनी होती है, टेस्ला, और जो फोर्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा आपने फोर्स वाला चैप्टर, तो न्यूटन। करंट की यूनिट 1 एम्पियर, और लेंथ जो होगा वो होगा मीटर के अंदर। तो अगर आप यहाँ से 1 टेस्ला की यूनिट निकालना चाहें, तो 1 टेस्ला की डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइड बाई 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो इसलिए, तो इस तरह से आप 1 टेस्ला का फॉर्मूला दे सकते हैं। तो होप ये मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आओ, तो स्ट्रेट वायर वाला तो इजीली समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा जो सर्कुलर कॉइल है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी आपने क्या है इसका बेसिक पढ़ा है सर्कुलर कॉइल का, और आपको एक्चुअल में सर्कुलर कॉइल ही पढ़ना है। ठीक है, सर्कुलर कॉइल ही पढ़ेंगे अभी, इसके बेसिस के ऊपर ही एसी डीसी जनरेटर। ठीक है, तो मैंने अभी क्या है इसका रफली आइडिया दिया है आपको, अभी टेंशन मत लीजिए, अब इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, जो सर्कुलर कॉइल वाला है ना, ये पूरा अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैं कॉइल भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से कॉइल होती है, और किस तरह से उसको एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगा किस तरह से इलेक्ट्रिक वायर्स में कैसे करंट फ्लो होती है, और ये हम टू आर क्यों लेते हैं, और ये जो एफ का जो फॉर्मूला लिखा है ना हमने बी के, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम, ये कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो वो पे समझ में आया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।